प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ उपदेश दे रही हैं, वे जो कुछ कराते हैं उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर पाता। मन में यह रखना चाहिए कि तुमने मुझे जितनी शक्ति दी है मैं उसे तुम्हारी सेवा में लगाने का प्रयत्न करूँगा। सवेरे उठकर भगवान के निकट पहले यह प्रार्थना करो, यह जो मैं कर रहा हूँ यह तुम्हारा ही है। हे भगवान, मैं दिन भर जो कुछ काम करूँ वह सब तुम्हें समर्पण कर सकूँ। जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह सब तुम करवा रहे हो। शाम को सोने से पहले यह प्रार्थना करोगे, हे भगवान, दिन भर में जितने अन्याय मैंने किए हैं अब उसे और ना करूं। इस तरह प्रार्थना करते करते अभ्यास हो जाता है, इससे फिर दुष्कर्म नहीं होते। मन क्यों भगवान की ओर नहीं रहता? इसका कारण यह है कि मन बहिर्मुखी हो गया है। पर अनवरत अभ्यास के द्वारा मन जैसे जा सकता है उसी प्रकार आ भी सकता है। तुम किसी के हो तो जाओ और सोचो कि जो कुछ कर रहे हो उन्हीं की शक्ति से। आत्मध्यान करने की इच्छा हो तो वही करो, नाम जपने की इच्छा हो तो वही करो। शरीर द्वारा करते करते मन द्वारा भी हो जाने की आशा है। देखते नहीं पत्थर पर नित्य एक एक बूंद पानी पड़ते रहने से उस पर गड्ढा हो जाता है। पहले अनुराग फिर त्याग वैराग्य अपने आप आ जाएगा। अपने को बिना मारे अपने को पाया नहीं जा सकता। किसी के जिम्मे अपने को बिना छोड़े अपने को मारा नहीं जा सकता। सभी समय कहा जाता है कि सभी के भीतर सब है। भगवान का नाम जपना, उनके ऊपर निर्भर रहना, इन्हीं रूपों से कर्मशय हो जाता है। जो कुछ करो उन्हीं की सेवा, भगवान के ऊपर निर्भर रहकर समस्त कर्म करने की चेष्टा करो। केवल निर्भर रहकर तत्ज्ञान में सेवा, मन मुंह से ठाकुर का नाम, हाथ से काम, सत्य लाभ की चेष्टा ही मानव मात्र को करणीय है। गुरु कृपा ही प्रार्थनीय है। जो कुछ वे कराते हैं वही तो करना होगा। मन को उसी रूप में गठित करने की चेष्टा करो। दुख के ध्यान में दुख प्राप्त होता है ना, इसलिए परमानंद का ध्यान करना चाहिए। सत्यानुसंधान मानव मात्र का कर्तव्य है। केवल उनके ऊपर निर्भर, केवल उनके जिम्मे छोड़ देना, उनका नाम जपना, किसी भी अवस्था में रहो उन्हें पुकारो, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो। सत्य लाभ की इच्छा जो करने से जागृत होती है वह मानव मात्र के लिए ग्रहणीय है। भगवान जो कुछ करते हैं सब मंगल होता है, मंगलमय की इच्छा से सब कुछ होता है। मानव मात्र का कर्तव्य है कि बिना विचार किए उन्हें पुकारते रहना, सभी विषयों में उन पर निर्भर रहो, उनके चरणों को सर्वदा स्मरण करो। वस्तुतः पेंशन प्राप्त करने की चेष्टा, जिनका सब है हर क्षण उनका चिंतन करो। प्रश्नकर्ता, मां ध्यान अभ्यास से होता है या संस्कार से? मां अभ्यास और संस्कार दोनों से होता है। जितना चित्त शुद्ध होगा उतना ही कार्य सुंदर होगा। रात को सोते समय उनका ही नाम जपते जपते सोना चाहिए। दुनिया तो आज है कल नहीं, सेवा भाव में रहो। उन्होंने आंखें दी हैं देखो एकमात्र वे ही अपने हैं। हाथ दिए हैं उनकी सेवा करो, पैर दिए हैं उनकी परिक्रमा करो, मन उन्हीं का सेवक है, भोजन करते हो उन्हीं की आहुति है। इसलिए कहा जाता है कि सदा नाम जपते हुए यह सोचते रहो कि तुम यंत्र रूप में हो या उनके यंत्र हो, वे जैसे चलाएं।
प्रार्थना करो कि मेरे द्वारा सब शुभ कार्य हो, सत चिंता हो और समस्त कर्म तुम्हारी सेवा में आए। प्रश्नकर्ता, माँ क्या करने से गुरु प्राप्त होता है? माँ, पिताजी स्वयं शिष्य बनने का प्रयत्न करो, तभी गुरु मिलेंगे। प्रार्थी बनने पर वस्तु मिलने की संभावना होती है, प्रार्थी तो बनो। गुरु ही सब, गुरु के आदेशों का पालन करने पर सब होता है। विचार शून्य होकर गुरु को मान लेना चाहिए। प्रश्नकर्ता, मां मनुष्य का मनुष्य से संबंध क्या है और उनके छूटने पर दुख क्यों होता है? मां, अपना संबंध अपने लिए, दुख होना तो स्वाभाविक है, जो अपना चिर पुरातन नित्य नूतन। प्रश्नकर्ता, इसके दूर होने का उपाय क्या है? मां, वे जो अपने हैं उन्हीं को पाने का प्रयास करना। प्रयास अर्थात गुरु पर निर्भर, गुरु का ही आदेश पालन। प्रश्नकर्ता, मां मनुष्य मनुष्य में आत्मा का संबंध है या नहीं? यदि है तो वह शाश्वत है या नहीं? मनुष्य का स्वरूप क्या है? मां, निश्चय ही एक आत्मा। आत्मा तो नित्य शाश्वत, मनुष्य का सत्य स्वरूप, मन का होश अर्थात अति मानव। प्रश्नकर्ता, मां हम लोगों ने अपने को तो स्वयं नहीं बनाया, कोई सृष्टा है। यदि हम किसी के द्वारा सृष्ट हैं तो हमारा जो कुछ है सब तो सृष्टिकर्ता का, फिर भी हम दुख कष्ट सुख क्यों पाते हैं? मां, सब कुछ सृष्टिकर्ता का है, इसका जहां प्रकाश है वहां दुख कष्ट का प्रश्न नहीं है। कर्तव्य में ही दुख और सुख। सृष्टिकर्ता को ना जानने पर अर्थात अपने को ना जानने पर जगत का यह सुख दुख। इसलिए केवल उनको ही जानने की कोशिश कोशिश कोशिश। प्रश्नकर्ता, मां मुक्ति क्या है? मां, विषय वासना कर्म आदि से मुक्त अर्थात अपने को जानना। चेतना लाभ तो करना ही होगा, अर्थात अपने में जो चैतन्य है उसी को ही प्रकाश करना होगा। मां पुनः उपदेश दे रही हैं, आना जाना क्या अच्छा है? हम आते जाते क्यों हैं? इसका अंत कहां है? आना जाना होना कर्माधीन है, इसलिए कहा कि आने जाने से मुक्त होने के लिए इस तरह का कर्म करना। आना जाना का अंत भगवान को पाने से या अपने को जानने से। जो जिस जिस अवस्था से जो कहता है उस अवस्था में वह पूर्ण सत्य है। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब देखा जाता है कि किसी में भी द्वंद नहीं है। जब तक दो रहता है तब तक विरोध। इस द्वैत बोध के हट जाने से ही कुछ भी संबंध रहित या अर्थ शून्य नहीं लगता है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।